नवल डॉकयार्ड मुंबई में अप्रेंटिसशिप की भर्ती आ गई है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भर्ती है, 300 से प्लस वैकेंसी है, प्लस यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड के लिए वैकेंसी है। और इसमें जो है आप लोगों की एज लिमिट कुछ भी नहीं है, कितने भी साल के हों यहाँ से आप लोग अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, ये इसकी मेन बात है। बाक़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको क्रम वाइज देता रहूँगा, तो आप वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप थोड़ी सी अलग है। इसमें जो पेपर होना है और पेपर के अलावा भी और भी चीज़ होनी है, किन लोगों किन चीज़ों की मिला के मेरिट बनने वाली है, वो सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को देखने की मिलेगी। फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी वेबसाइट है, तो वेबसाइट भी इसमें अलग है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ये है, और बात करें यहाँ पर 16 मार्च को ये नोटिफिकेशन निकल गया है। सबसे पहले हम ट्रेड और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन की जो है टोटल 40 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रोपरेटर की जो है एक वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए पद का नाम दिया हुआ है, एक साल की सभी की ट्रेनिंग है, और यहाँ पर कौन सी ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए, ये फिटर की वैकेंसी है, फिटर से आईटीआई होना चाहिए 50 वैकेंसी है। फाउंड्रीमैन है तो फाउंड्रीमैन से आईटीआई होना चाहिए। डीजल मैकेनिक है तो डीजल मैकेनिक से होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से होना चाहिए। वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की 7 है, मशीनिस्ट की 13 है, मकैनिक मशीन टूल मेंटेनेंस MMTM बोलते हैं जैसे, वो 13 है। यहाँ पर पेंटर जनरल है, यहाँ पर 9 वैकेंसी है। पैटर्न मेकर है, जैसे पैटर्न मेकर या जो है कारपेंटर के लिए जगह है, यहाँ पर 2 वैकेंसी यहाँ पर है। फिर हम पाइप फिटर में प्लम्बर के छात्रों को, पाइप फिटर के लिए पद का नाम है, प्लम्बर के छात्र यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 13 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी वैकेंसी है, 26 वैकेंसी है। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग RAC में RAC के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, 7 वैकेंसी, RAC के छात्रों के लिए भी अच्छी वैकेंसी है। फिर हम बात करें शीट मेटल वर्कर के लिए, शीट मेटल वर्कर ITI होना चाहिए, 3 वैकेंसी है। फिर सिप्रेड वुड के लिए कारपेंटर होना चाहिए, 18 वैकेंसी है। टेलर जनरल के लिए स्विंग टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग के जो छात्राएं हैं या छात्र हैं, 3 वैकेंसी हैं। फिर यहाँ पर वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर से होना चाहिए ITI, 20 वैकेंसी है। मैसन से ITI होना चाहिए, 8 वैकेंसी है। ICT SM की वैकेंसी नहीं आती थी, यहाँ पर आ चुकी है अप्रेंटिसशिप की। यहाँ पर आप लोगों को IT and ESM या ICT SM से होना चाहिए, ये 3 वैकेंसी है। फिर शिपराइट स्टील के लिए फिटर से ITI होना चाहिए, 16 वैकेंसी है। फिर 2 साल की अप्रेंटिस भी है जिसमें रिगर की है, रिगर में फ्रेशर 10th पास आप लोगों का होना चाहिए, 12 वैकेंसी है। फिर फोर्जर एंड हीट ट्रांसफ़र के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, 1 वैकेंसी है। टोटल 301 वैकेंसी यहाँ पर हैं। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है SC ST OBC उन सब का रिजर्वेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर अप्लाई किया है। बाकी अन्य हम बात कर लेते हैं जो ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर देख सकते हैं जिस ITI में आप लोग ट्रेड में हैं उसी में आप INCVT या SCVT से पास आउट होने चाहिए। फिर जो नॉन ITI की ट्रेड है, रिगर है जिसमें 10th क्लास पास होना चाहिए, और फोर्जर एंड हीट ट्रांसफ़र है जिसमें आपका 10th पास होना चाहिए, ये इसमें योग्यता है। एज लिमिट की बात करें तो देखिए मैंने पहले भी बताया था आपको, लिखा है कि देयर शैल बी नो अपर एज रेस्ट्रिक्शंस, तो अपर एज मतलब ज़्यादा आयु की नहीं रेस्ट्रिक्शंस है, मगर 13-14 साल से आप लोगों को प्लस होना चाहिए, तो सभी लोग लगभग 14 से ज़्यादा के ही होंगे, और अपर एज का कोई भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोग देख सकते हैं, हाइट कितना होगा, वेट कितना होगा, आईज़ का वगैरह का सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। फिर सेलेक्शन है, देखिए सेलेक्शन के लिए बहुत जो है यहाँ पर टिपिकल किया हुआ है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो ITI के बच्चे हैं उनकी ITI की मेरिट के बेस पे, जो ITI की परसेंटेज है उसके परसेंटेज के बेस पे एक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिसमें 1/20 जितनी वैकेंसी हैं, जैसे फिटर में 50 वैकेंसी हैं मान लेते हैं, तो 200 इसका जो है 220 गुणा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा लगभग 1000 वैकेंसी, 1000 तो 1000 बच्चों को जो है चुन लिया जाएगा यहाँ पर रिटर्न टेस्ट के लिए।
तो रिटन टेस्ट से पहले भी एक मेरिट लगेगी रिटन टेस्ट में जाने के लिए, तो वो आपकी आईटीआई की परसेंटेज पे लगेगी, या फिर जो फोर्जर के बच्चे हैं उसमें टेंथ क्लास के, फोर्जर में टेंथ क्लास के, और एक और ट्रेड थी रिगर है, रिगर में एट्थ क्लास की मेरिट लगेगी। तो मेरिट लगने के बाद आप लोग रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, और आप लोगों की जितनी वैकेंसी है उसका 20 गुना बच्चे रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। फिर रिटन टेस्ट में आप लोगों का जो है एक पेपर होना है, पेपर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के आप लोगों के 35 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस के आप लोगों के 30 आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2 घंटे का समय होगा। उसके बाद आप लोगों का जो है एक मीडियम रिटन एग्ज़ाम होने के बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। उसके बाद आप लोगों का जो है एग्ज़ाम सेंटर सिर्फ मुंबई में रहेगा, और यहाँ पर दिया है फिर एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना बच्चे जो है वो रिटन एग्जाम से छाट के ले लिए जाएंगे। फिर उनका इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, 10th क्लास का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार, कास्ट अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन है, स्पोर्ट कोर्स अलग आया है तो उसका, ओरल एक टेस्ट होगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों की जो लगने वाली है वो आप लोगों की रिटन टेस्ट के बेस पे लगने वाली है, और साथ में इंटरव्यू के बेस पे भी लगने वाली है। तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के मेरिट यहाँ पर लगेगी। अब हम बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप लोग बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं आपका जो ट्रेनिंग है वो जुलाई अगस्त से यहाँ पर शुरू होने वाली है। आने जाने कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा, और बोर्डिंग लोकेशन वगैरह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब मेन बात आती है कि फॉर्म आप लोगों को कहाँ से भरना है। तो देखिए, फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, वेबसाइट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं registration.ind.in, ये वेबसाइट है। और जो 21 दिन तक ये नोटिस चलेगा, तो अभी आप लोगों के पास समय है, लगभग 10 मई तक ही आप लोगों का नोटिस चलने वाला है, तो उससे पहले आप लोग जो है यहाँ पर फॉर्म भर दीजिएगा। अब फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसमें ब्लैक बैकग्राउंड हो, देखिए मेन चीज़ें हैं ये, साइज़ इतना होना चाहिए, और JPEG और JPG फॉर्मेट होना चाहिए, 200 KB तक होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आधार कार्ड भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आधार कार्ड भी चल जाएगा, अर्थ की मार्कशीट और ITI की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें होने चाहिए, OBC की मार्कशीट, इसमें बहुत सारे बच्चों का कुछ इसमें छूटा भी हो सकता है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से जो जिस पे अप्लीकेबल हो रहा है वो इसमें लगाएगा, जैसे SC ST OBC दिया है, अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो वो इसको लिए, उसके लिए ये नहीं है। फिजिकल चैलेंज अगर कोई है तो वो इसमें अब जो है उसके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई सन या डॉटर है, आर्मी पर्सन या एक्स आर्मी मैन है, तो उसके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों, इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। फिर आधार कार्ड जो है कैंडिडेट का मैंडेटरी है, कंपलसरी लिखा हुआ है यहाँ पर, और 200 KB तक ये JPEG और JPG फॉर्मेट में आपको रखना है। लेटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आप लोगों को रखना है, और बाकी मोबाइल फ़ोन जो है यहाँ पर लिखा है कि नॉट एक्सेप्टेबल है। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इसमें हैं, और फॉर्म का मैंने बता ही दिया, ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई भी जो है फिजिकली रूप से आप लोगों का फॉर्म वहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो टर्म्स हैं फॉर्म रिजेक्ट होने की, वो टर्म्स भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इनको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर और भी चीज़ें यहाँ पर, अगर कोई इनको इंक्वायरी वगैरह करना है तो इस मेल आईडी पे, इस मोबाइल नंबर पे आप लोग कर सकते हैं। तो ये नोबल डॉकयार्ड मुंबई, बहुत सारी ट्रेड के लिए इसमें जगह है, तो अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करना चाहते तो बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, साथ में जो ट्रेड इसमें दिए हैं इन ट्रेड के छात्रों की ये वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें, ताकि उन छात्रों को भी मौका मिल सके अप्रेंटिस करने का। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।